स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता जी। सुप्रभात सभी को। और सुबह का काम तो लगभग हो गया है, झाड़ू सब लगा ली हूँ मैं। अब जा रही हूँ कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है, बारिश लग रही है। तो जा रही हूँ फटाक से कूड़ा फेंक के आ जाऊँ, क्योंकि स्लिप करने का भी डर रहता है इसमें। देखिए यार, फिर बारिश लगी थी सुबह सुबह, बादल भी लगी हुई है, बीच बीच में बारिश कल भी हुई काफ़ी। बारिश रुक रुक के हो रही थी, फिर ठहर जाती थी, फिर से होना शुरू हो जाता था। तो देखिए अब आज का क्या होता है, चारों पूरे बादल ही बादल है। और ये भी आ गए हैं ड्यूटी से, और जा रही हूँ पहले चाय बना के इनको भी दे दूंगी, मैं भी पी लूंगी। पहले पानी गर्म कर रही हूँ और उसके बाद चले जाऊंगी मैं, पोछा लगाना है, पोछा लगा के चले जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि आज बाल भी धो के नहाना है। इसलिए बारिश लग रही है तो ठंड भी लग रही है, तो पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे प्लान करूँगी। बच्चों को मैं नाश्ता दे दी हूँ, बच्चे नाश्ता करके चले गए उस रूम में पढ़ने के लिए। चलिए पहले इनको पानी और चाय दे देती हूँ, क्योंकि आज भले इनका नाइट ड्यूटी है, फिर कल से इनकी बीसी हो जाएगी। ये जो मोर पंखी का पौधा लगा हुआ है, इसी का एक पौधा लगाए हुए थे यहाँ, लेकिन ये कटिंग हो गई इसकी, तो ये सूख रहा है। तो इसको निकाल के गमले में लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा हरा है नीचे, इसको गमले में लगाएंगे आज। इसको गुराई, इसको थाला बना लेते हैं, निकाल देंगे इसको और लगाएंगे। बहुत अच्छा था, एकदम फैला हुआ ही है। इसको अच्छे से निकाल लेते हैं, लगा देंगे इसको गमले में। इसको कई साल हो गया, इसके शशि हर्ष के बर्थडे पे लगाए हुए थे यहाँ। ये निकाल लेते हैं तो फिर मिलेंगे। पौधा लगा दिए, अब कल देखो पानी देते हैं, चूंकि इसमें नमी है ही, अभी बारिश हुई थी तो ढूंढा हुआ है, तो इसमें गोबर वगैरह डाले हैं, वैसे हल्का सा पानी डाल के छोड़ देंगे। कुछ ज़्यादा इसका पकड़ ले रहा है, नीचे इसमें दो दिन थोड़ा सा पानी दे देंगे। चलिए हो गया कंप्लीट। और स्टोव तो मेरे देखिए नया इसमें स्ट्रॉबेरी निकल भी रहा है उस साइड वाले गमले में। पहले वाला तो बेमौसम था ना, ये चूहा और इसको चूहा भी खा गया, अब यहाँ फूल निकल रहा है नीचे से, उसमें भी निकल रहा है, सब में निकल रहा है नया नया पौधा। ये देखिए कितना अच्छा फूल निकल रहा है, पर चूहा रहने देता हम ना, चूहा ही नहीं रहने देता है। पिछली बार तो अच्छा निकला, तो बड़ा बड़ा बच्चे इस रूम में अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं कपड़े लगा दी थी सुबह 6:30 बजे ही, और 7 बजे से बारिश होनी शुरू हो गई। फिर यही रहता है, सूखने का दिक्कत रहता है, बच्चों का यूनिफॉर्म है, जूता धो के वहाँ पे डाल दी हूँ, जो जूता सबसे ज़्यादा तो जूते सूखने में दिक्कत होता है, और कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा इसी का दिक्कत होता है, क्योंकि ये मोटा जूता रहता है धोने में। चादर तो बाहर डाल दी हूँ जो सूख जाएगा हवा पे भी। सुबह जब मैं जगी थी, कपड़े धो रही थी, तब धूप का लग रहा था जो धूप निकल जाएगी, पर अभी देखिए फिर मौसम बारिश जैसा, अच्छी खासी गर्मी भी हो गई थी, तो फिर से ठंड होनी शुरू हो गई है। और उधर मैं छोला चढ़ा दी हूँ, आज बनाऊंगी मैं छोला चावल, तो छोला भी चढ़ा दी हूँ तो साथ के साथ हो जाएगा। और बस पोछा लगा के फिर चले जाऊँगी मैं नहाने के लिए। बच्चों का फरमाइश था, एक तो सब्जी भी कुछ नहीं थी, बस थोड़ा सा पत्ता
बंद गोभी है तो वो बच्चे वो नहीं खाएंगे, आज छोला चावल खाएंगे। छोला चढ़ा दी है, तब तक इधर कोठे लगा देती हूँ। नहा के तो मैं आ गई, अब पूजा भी हो गया मेरा और अब खाना भी चढ़ा दे रही हूँ। इधर देखिए ये छोला तो बनाती हूँ मैं, और उधर जीरा राइस सब चढ़ाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि सची कह रहा है जीरा राइस बना देने के लिए। चावल धो दी हूँ और चावल ज़्यादा देर भिगो के इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि इंडक्शन पे थोड़ा टाइम लगता है बनने में, तो फिर चावल गीला हो जाता है, इसलिए भिगो के नहीं रखती हूँ। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो उसके बाद घी और जीरा डाल के सेट कर देती हूँ चावल। और इधर मैं खाने की तैयारी कर ली हूँ, जब तक चावल से प्रेशन कर ला तो मैं इधर अचार काट ले रही हूँ क्योंकि ये है परवल का अचार। ये मेरी मम्मी दी थी पिछले साल जब हम लोग गाँव गए थे, तो ये बड़ा साइज का है तो इतना बड़ा तो कोई खाएगा नहीं, इसको चार पीस कर देती हूँ तो सब एक एक पीस खा लेंगे। और इधर देखिए खाना चावल भी बन गया मेरा, प्रेशन कर गया है जीरा राइस और ये रहा छोला। तो चलिए दे देती हूँ सबको खाने के लिए। और इधर तो मिलता भी नहीं है, और अचार के लिए चाहिए तेज धूप जो इधर इतनी होती नहीं है। और तो गांव में तो कटहल का परवल का करेले का ये सब का अचार बनता है और मेरी मम्मी बनाती भी हैं। तो देखिए इस साल तो गांव गए नहीं, जब जाएंगे तब फिर बनाएंगे। खाना तो हो गया हमारा और बर्तन धो ले रही हूँ। और मौसम तो ऐसा दुखी करके रखा हुआ है, देखिए कैसे बादल फिर लग गया बाहर, सारा कपड़ा मैं दे आई थी धूप निकल गया था, तो अब फिर सारा समेट के अंदर मुझे डालना पड़ेगा। पहले बर्तन धो लेती हूँ, कपड़ा समेट के सारा अंदर रख दूंगी। शाम की चाय बना रही हूँ और ये देखिए इधर पानी गर्म कर दी हूँ क्योंकि पहले इस बीच में हम लोग ठंडा पानी पीना शुरू कर दिए थे, गर्मी जैसी लग रही थी तो फिर मौसम खराब हो गया, तो अब फिर पानी गर्म करके सबको दे रही हूँ। चलिए फटाफट पहले पानी, और उधर चाय भी चढ़ा के रखी हुई हूँ, चाय भी बन रही है। देखिए रात का खाना भी मेरा बन गया, और रात का खाने में बनाई हूँ बंद गोभी आलू की सब्जी और रोटी। तो अभी तो सिर्फ इनको दे देती हूँ खाने के लिए क्योंकि बच्चे अभी उस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बोले अभी नहीं खाऊंगा थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, तो वो जब खाएंगे तब उनके लिए फिर गर्म रोटी बना दूंगी। तो अभी सिर्फ इनको दे देती हूँ खाने के लिए। आज बिहार में 10वीं की परीक्षा का आज रिजल्ट निकला है, तो मेरे जेठानी के लड़के वो परीक्षा दिए थे तो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे वो, हम लोग की दुआ है उन लोगों के साथ। और चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभरात्रि।